धन्यवाद आप सभी का और हिंदुस्तान की जनता का जिसने मुझे प्यार दिया। मैं पब्लिक के लिए हमेशा खड़ा रहा उस समय पर जब जिसको ज़रूरत पड़ी, और आज मेरे ज़रूरत पड़ने पर हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन है, मेरा ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का आज जन्मदिन होगा जो परेशानियों से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज पहली बात मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि एक फिल्म बना रहा हूँ, और मेरे साथ तमाम वो लोग जुड़े हुए हैं जो बचपन से मेरे साथ हैं, और यहाँ के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा जो मेरे साथ दे रहे हैं इस वक्त। फिल्म के बारे में अगर जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? फिल्म हॉरर है, हॉरर बेस्ड स्टोरी है। दो हीरोइन एक हीरो की कहानी है, और किसी एक रियल घटना पर आधारित है। ये पहले भी अफवाह फैल चुकी थी कि किसी की चुराई हुई कहानी है, लेकिन ये पूरी फ्रेश कहानी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि फिल्म में उर्मिला मैडम हैं जो कि माँ का किरदार निभा रही हैं, रमेश सर हैं जो कि इसमें एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, और भी तमाम आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, और फिल्म जल्दी स्टार्ट होने वाली है। स्टार कास्ट में जहाँ तक कि अभी कुछ साइड आर्टिस्ट जो साइन हुए हैं, जैसे कि हमारे एहसान कुरैशी साहब हैं, सुनील पाल जी हैं, मैडम हैं, उसके बाद और भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन अभी जल्दी खुलासा होगा उनका, क्योंकि जस्ट कास्टिंग जारी है और अभी मुहूर्त हुआ है जस्ट अभी। इसका जैन में जाना तय किया गया है, शूट पे जाना, और जल्दी ही मुझे लग रहा है मई अप्रैल में ये फिल्म रिलीज होने को आ जाएगी। दीपक जी को सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी, हैप्पी बर्थडे, और ये भी शुभकामनाएं दूंगी कि इनकी फिल्म बहुत अच्छी बने, बॉक्स ऑफिस पर सफल रहे और बहुत पैसे कमाए, और ये उसके बाद फिल्म में बनाते जाएं और आपको हीरोइन लेते जाएं जी। आपका क्या रोल होगा फिल्म में, किस तरह से? मैं हीरो की माँ का रोल कर रही हूँ। फिल्म तो हॉरर है, ये आपको पता ही है नाम से, जैसे इन्होंने बताया अगले महीने से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं आज बहुत खुश हूँ। दो फंक्शन तो हैं, एक तो दीपक जी का बर्थडे है, दूसरे दीपक जी फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी खुशी का एक कारण और ही है कि जब कोई नया प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो मुझे काफ़ी संभावनाएं नज़र आने लगती हैं। एक प्रोड्यूसर कम से कम 50 से लेकर 100 आदमियों तक का पेट भरता है। इस तरह की लिंक होती है कि एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये संपन्नता की बात है कि फिल्म स्टार्ट हो रही है। फिल्म छोटी है या बड़ी है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हम जो टेक्नीशियन एक्टर्स हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है जिस दिन फिल्म स्टार्ट हो रही होती है, फिल्म का मुहूर्त हो रहा होता है। तो मैं इसके लिए दीपक जी को एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर धन्यवाद दूंगा, और वो एक नए फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं, और चूंकि मैं एक कलाकार हूँ, कलाकार की इच्छा यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर फिल्म बनाएं, और वो उसमें सभी लोग बिजी रहें, तो ये बहुत खुशी का दिन है। एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर दीपक जी बहुत अच्छे हैं, मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, और काम भी किया है, और इनका बर्थडे है, बहुत खुशी की बात है। ये इस तरह से ही तंदुरुस्त रहें और लोगों को एंटरटेन करते रहें, और साथ में चूँकि आजकल मीडिया से मेरी काफ़ी मुलाकात हो रही है, मुझे सपोर्ट करती है, मुझसे सवाल करती है, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझसे मीडिया नाराज़ नहीं है, और मीडिया ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो जब आप लोग सवाल पूछते हैं तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, और इसी तरह से मेरी लाइफ चलती रहे। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस उम्र में भी मैं काम कर रहा हूँ और चलता फिरता हूँ, ये ऊपर वाले का कर्म है। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, और मैं सोचता भी हूँ कि अगर आदमी सीनियर सिटीजन होने के बाद में चलता फिरता है, काम कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ही यही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि फिल्म स्टार्ट हो रही है, मुहूर्त हो रहा है, बर्थडे मनाया जा रहा है, इतने लोग हैं यहाँ पर और मीडिया है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। तो हमारा भाई है और बहुत ही अच्छा इंसान भी है, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है। एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माई ब्रदर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस, और तुम हमेशा ऐसे काम करते रहो जिससे हमें भी खुशी होगी। और इनकी मूवी है जो कि मैं भी कर रहा हूँ, इस पर भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, ये और अच्छा काम करें और हम लोग एक साथ सब काम करें, और बहुत बढ़िया इंसान है। आई एम प्लेइंग इन दिस मूवी एज ए लीड, एज ए बिग ब्रदर। सो बाकी दीपक बताएगा आने वाले टाइम में, अभी थोड़ा गुप्त रहने दो।
चीज़ें बहुत सारी खुली नहीं गई हैं क्योंकि दो तीन स्टार कास्ट फाइनल नहीं की गई हैं, पर हाँ मन भाई काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं मन भाई का काम देख चुका हूँ कि मन भाई जब आते हैं स्क्रीन पर तो अपनी एक रियल अपीयरेंस लेकर आते हैं और नेचुरल एक्टर हैं, और मैं दिल से बधाई देता हूँ भाई, अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार इन बड़े बड़े सीरियल्स में देखा गया है इनको, और हमारे साथ भी काम करेंगे। बहुत बहुत उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हाँ जी, मैं दीपक सर को जन्मदिन मुबारक देना चाहती हूँ एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर कमिंग मूवी। अच्छा लग रहा है। मैं कॉल बैक करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। एक मिनट, आपको अग्रिम बधाई मेरी तरफ से। अग्रिम मतलब एडवांस होता है जी। कुछ है मेरे लाइक जी? जी क्या कुछ गाने रिकॉर्ड हुए, किस प्रकार का गाना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दो दो इवेंट है यहाँ पे, मतलब दो डबल डबल खुशियाँ हैं, बर्थडे भी है और मुहूर्त भी है। तो मेरी तरफ से सर आपको बहुत बहुत आपके गाने से रिकॉर्डिंग हो रही है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप जिए हजारों साल, साल के दिन में दो चार लाख तो होने चाहिए। बिल्कुल। ये दोस्त है मेरे रोहित प्यारे जी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो सर जिसके फिल्म के लिए मैंने अभी गाया है, तो गाना तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, अभी प्रमोशन भी अच्छा करिएगा प्लीज। आप जी बिल्कुल, आप भी बुलाएंगे। मैं तो आया हूँ सर, मैं प्रमोशन भी बुलाएंगे। और इस फिल्म को लिखा है इन्होंने, रोहित प्यारे जी ने। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू होल टीम ऑफ रूहानी जी। एंड मेरा एक ग्रेट सॉन्ग है, थोड़ा नोटी टाइप है, अच्छा गाना है, और मैं दुआ करूँगा कि वो गाना आपको पसंद आए, और पसंद आने के बाद तो भी सुनाएंगे। सर आपने जितने गाने आज तक गाए सारे गाने हिट हुए हैं, और ये गाना भी माशाल्लाह हिट जाएगा, ये हमारी दुआएं। बस आपका प्यार भी बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई ऑलवेज माय बेस्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि शायद भाई मेरे साथ आए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आएंगे। मैंने बड़े बड़े सिंगर्स को अप्रोच किया, एक बड़े भाई हमारे शायद भाई को अप्रोच किया तो तुरंत हाँ कर दी। इससे पहले भी बड़े सिंगर्स को अप्रोच कर चुका था, लेकिन डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है भाई का, और पहुँचे हैं हमारे साथ में, और आप सबके साथ बैठे हैं। गाना दुर्गेश भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो, और इसके अंदर कुछ मैंने लिखे हैं जो भाई ने बखूबी गाया है, और बहुत प्यारी धुन है और जो दुर्गेश भाई ने बनाई है। और ये फिल्म हमारे कंपोजर उनको बुला लीजिए फ्रेम में, बुला लीजिए फ्रेम में आ जाए वो भी। और ये फिल्म करीब दो घंटे की फीचर फिल्म है जिसमें कई आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। हमारे भाई ने फिल्म लिखी है रोहित प्यारी जी ने, और सर हमारे साथ हैं, ये मेरे फिल्म प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, और जाने माने चेहरे हैं इंडस्ट्री के, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इनके कोई करेक्टर के बारे में। तो संजय सर मेरे आदर्श रहे हैं पॉलिटिकली भी और दुनियादारी के लिहाज से भी, और मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें हम लोगों को, और ये फिल्म ज़रूर जब रिलीज़ हो तो देखने ज़रूर जाएं। नहीं, एक तो बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का, आज ही के दिन दीपक जैसा होनहार व्यक्ति इस दुनिया में आया है। दीपक को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। गाने की रिकॉर्डिंग की प्रोसीजर कुछ चल रही थी, मैं अंदर सुन रहा था, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है, बहुत खूबसूरत गाना है। मुझे पूरा यकीन है कि ये गाना, फिल्म तो हिट होगी, गाना भी उतना ही सुपर हिट होगा। और ये दीपक का प्रोजेक्ट, दीपक की प्रोजेक्ट के लिए बधाई, और मुझे पूरा विश्वास है कि दीपक लोगों को बहुत अच्छी तरह से इंटरटेन करेंगे इस प्रोजेक्ट से, और एक बढ़िया खूबसूरत फिल्म बनेगी, इसका मुझे पूरा पूरा यकीन है। देखिए गाने तो चार गाने हैं इस फिल्म के, इस फिल्म में, और रूहानी टाइटल है फिल्म का, जो हमारा अभी जो सॉन्ग रिकॉर्ड किए वो रूहानी टाइटल के बेसिस पे ही है, और बहुत प्यारा सा सीड्यूसिंग और रोमांटिक सॉन्ग है ये, और बहुत इसमें जान डाल दी हमारे शाहिद भाई ने, जो मेरे पुराने मित्र हैं, और मैं खुद भी इनका और इनकी वॉइस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इन्होंने जो जिस भी फिल्म में गाया है, मौसम है, मौसम के गाने हैं, मन मर्जियाँ हैं, उड़ता पंजाब है, और वो गाने बहुत ही हिट रहे हैं, और बहुत ही प्यारे सॉन्ग थे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी।
सो अच्छी तरीके से हमारा ये पूरा सॉन्ग्स बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। भाई की आवाज़ में गाने में जाना गई है रूहानी सी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे सॉन्ग कॉम्पोजिशन बनाई इन्होंने और लिखा भी अच्छा। किसने लिखा? जुनेद और किशन पालीवाल जी ने। जुनेद दीपक भाई भी है, सब मिली जुली सरकार हमने बनाई है तो आपका समर्थन चाहिए सबका। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। जी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि हम साथ में पहली बार नहीं काम कर रहे हैं, हम दो तीन बार और भी काम कर चुके हैं सॉन्ग्स के लिए और एक आध बार शोज भी हमने साथ में किया है। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से समझते हैं, कंपोजिशंस हैं और बहुत माशाल्लाह बहुत तैयारी है इनकी, तो समझने में और कोई दिक्कत नहीं कोई चीज़ में। आई एम वेरी हैप्पी कि बंदा बढ़िया काम कर रहा है और अच्छा कंपोज किया है गाना, और गाने में जब मज़ा आ जाए तो समझ लो कि कंपोजिशन बहुत अच्छी है। और हम सिंगर्स को एक ही चीज़ चाहिए होती है कि गाना ज़्यादा इतना उतार चढ़ाव ना हो कि वो ऑडियंस को समझ नहीं आए, क्योंकि एंड ऑफ द डे बॉलीवुड में वही गाने ज़्यादा हिट होते हैं जो ज़्यादा हमेबल हो और अच्छी पोइट्री हो, अच्छा मूड हो, सिंपल हो। तो एक वैसा ही कलर था सॉन्ग का, बहुत मज़ा आया गाते हुए। एंड आई विश फॉर हिज फ्यूचर कि और अच्छा काम करें और करते रहें। मेरे ख्याल से तो रिक्रिएट होना ही नहीं चाहिए, रिक्रिएट होना भी नहीं चाहिए, तो सब अपना बेस्ट देने को ट्राई करते हैं और हर समय हर बार जब भी जो नया कलेक्शन हो, नए टेक्निक्स हो और नए कंपोजिशन हो, बेटर तो वही है जो न्यू टैलेंट्स हैं तो सब वो निकल गया, तो बेटर तो वही है। हाँ, इंस्पिरेशंस आप ले सकते हो, जो सॉन्ग आपको पुराने पसंद है उसके जैसा आप बना सकते हो। रिक्रिएट गाने मेरे हिसाब से किए जाते हैं, होते नहीं हैं। जैसे आपने कहा कि आजकल गाने रिक्रिएट हो रहे हैं, रिमिक्स के तौर पे बन रहे हो वैसे, बट रिमिक्स भी है। और देखो, एक चीज़ एक ही बार बननी चाहिए, जैसे एक इंसान, जैसे कोई भी नाम है, महेश कुमार एक ही है, वो उसके नाम के दूसरे लोग हो सकते हैं लेकिन वो एक आदमी, एक DNA उसका एक ही है, उसका मैच नहीं हो सकता किसी से। वैसे गाने का भी एक DNA है, उसको रिप्लिका नहीं बनाना चाहिए किसी गाने का। और अगर आपको रिक्रिएट करना ही है तो उस गाने का करो जिसका जनरेशन लॉस हो रहा है, जो गाना डिजिटली तौर पर ख़त्म हो रहा है, जिसका विजन ब्लर हो गया है, गाने का वीडियो ख़राब हो रहा है, ऑडियो ख़राब हो रहा है, पड़े पड़े सड़ रहा है, उस गाने का रिक्रिएशन होना चाहिए, ना कि उन गाने का जो कि जिस गाने के कलाकार अभी ज़िंदा बैठे हैं उनके सामने उन्हीं का गाना किसी और सिंगर की आवाज़ में अगर गा के सुनाया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली, राइट? तो मेरा ये कहना है कि क्रिएट सम फ्रेश म्यूज़िक, और म्यूज़िक का कोई अंत तो है नहीं, सागर है ये, इसमें डुबकी लगाओ आपको हर गाना एक मोती की तरह मिलेगा, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। थैंक यू। और अच्छी बात यह है, शाहिद जी ने कही कि चलो उनको गाने में बहुत मज़ा है, तो हमारा काम तो यही पूरा हो जाता है कि सिंगर को अगर गाने में गाना मज़ा आ गया तो हमारे लिए तो वही हिट हो जाता है वो सॉन्ग्स कंपोजिशंस। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। थैंक यू सो मच, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।